सो लेट्स गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स होट 12 प्रो डिवाइस के अंदर आप जो है एप्लीकेशंस को लॉक कैसे करेंगे। ये जो सर्विस मिलती है काफी आसानी से मिल जाती है आप लोगों को, किसी भी एप्लीकेशंस को लॉक करनी है तो आप प्रॉपर कर सकते हैं। इन्फिनिक्स वाले फोनों में क्या होता है गाइस, जो है आपको एक फोन मास्टर टूल एप्लीकेशन दिया जाता है जिसमें आपको एप्लीकेशंस को हाइड करना हो या फिर लॉक करना हो कर सकते हो, लेकिन हाइड और लॉक दोनों का सेटिंग्स भी दिया जाता है। लेकिन XOS जो 12 है उसके अंदर काफी भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, तो आपके फोन में तो रेडी हो जाइए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे के सारे कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सारे टोटली फीचर्स पता चल जाएंगे कि कैसे यूज करना है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करना, ऐप लॉक करने के लिए करना क्या है। एक सिक्योरिटी वाली सेटिंग्स मिलेगी, आप इसको प्रेस कर लेना। यहाँ पर देखो ऐप लॉक ऑलरेडी हमारा इनेबल्ड है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर, मैंने फिंगरप्रिंट लगा के रखा है एक्चुअली, तो हम फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, और मैंने काफी एप्लीकेशंस को लॉक भी करा है आप देख सकते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे पासवर्ड चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो पैटर्न को मैं जो एंटर कर रहा हूं तो ये पैटर्न अब वहां पर वेरीफाई हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह से पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, सिंपली वहां पर प्रेस करना तो पासवर्ड आपका लग जाएगा, और इसको फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो। देखो यहाँ पर एडेड फिंगरप्रिंट टू अनलॉक्ड है, हम इसको ऑफ कर देते हैं अभी क्योंकि मुझे फिंगरप्रिंट से नहीं चाहिए। इनेबल अनलॉक है ये अभी इनेबल्ड है, लेकिन हम इसको ऑफ करना चाहें तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। देखो फिर से मैं ऑन करना है, अब यहाँ पर पासवर्ड चूज करेंगे, दो पासवर्ड बनाएंगे, दोनों को एक साथ करना गाइज। जो पासवर्ड आप पहली बार एंटर करेंगे अगेन उसी को कर लेना। अब देखो जो लॉक्ड वाली एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी आपको लॉक्ड दिख जाएंगी। तो वैसे ही गाइज एप्लीकेशन को लॉक करना है इन्फिनिक्स होट 12 प्रो डिवाइस के अंदर। आई होप गाइज समझे होंगे, फिर कोई कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग तो कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।